Dear student, in the last classes we have discussed the exercise 3.2. Today we will start the next exercise 3.3. In the exercise 3.3 also subtraction is given. So the first question is fill in the blanks. Subtraction sums are given. What we have to do, we have to write what will come in the blank space after the subtraction. 8204 minus 0. अगर हम 8204 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो what we will got? If you are having the 7 candies and anyone take the 0 from you, किसी ने आपकी जो 7 candies हैं उसमें से अगर किसी ने 0 candies ली तो हम how much candies left with you? Same 7, 0 means nothing. They take, आपने किसी को कुछ नहीं दिया ना, it means जो 7 candies थी वो आपके पास 7 as it is हैं. उनमें से कोई भी क्या है लेस नहीं हुई, मिस नहीं हुई, आपके पास 7 की 7 है, यूज़ नहीं किया आपने अपने फ्रेंड्स को, नहीं दी, तो आपके पास कितनी रही, 7 ही रही. इट मीन्स अगर हम किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी गॉट द नंबर सेम. सो 8204 में से अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8204. किसी भी नंबर में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम वही नंबर आएगा. वैसे भी देखो 4 में से 0 से 8204 वंस प्लेस इसका ये है, वंस प्लेस इसका ये. 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया क्या आएगा, 4. और अनदर नंबर्स पे कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, सो 8 2 0 सेम रहेगा. अब नेक्स्ट में है 5639 माइनस 5639. फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग द 5 केक्स और आपके पास जो 5 केक्स हैं आपसे वो सारे के सारे 5 केक्स कोई अनदर पर्सन ले लें, सो हाउ मेनी केक्स आर लेफ्ट विद यू, नथिंग, 0. तो अगर हम किसी नंबर में से वही सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आता है, 0. 8 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8, 0. 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5, 0. 10 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10, 0. 25 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 25, 0. सो 5639 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5639, व्हाट विल कम, 0. सो द नेक्स्ट पार्ट इज बेटा 1263 माइनस व्हाट वी विल सब्ट्रैक्ट, कि 1263 आ, कि हम इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि यही नंबर आ जाए, हम किसी को क्या दें कि हमारे पास उतना ही रहे. अगर हम किसी को कुछ भी नहीं देंगे, 0 देंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा, सेम वही नंबर रहेगा. सो 1263 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वही आ जाए, 0. नेक्स्ट है 1850 माइनस 1. आपके पास 1850 रुपीज़ हैं, उसमें से आपने 1 रुपीज़ किसी को दिया तो आपके पास कितने रुपीज़ लेस हो गए, 1 रुपीज़ लेस हुआ ना, 1 सब्ट्रैक्ट हो गया. सो हाउ मच आर लेफ्ट विद यू, 1850 में से अगर आपके पास 1 लेस हो जाए उसमें से तो क्या आएगा, 50 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनता है हमारा, 49. सो देखो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, वी हैव टू टेक द बोरो फ्रॉम द 5 4 बना, ये 10 बना. 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट विल कम, 9 4 8 1. सो हाउ मच 1849 इज लेफ्ट अगर हम 1850 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो. ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज बेटा 1000 माइनस 1. 1000 में से भी अगर हम 1 माइनस कर दें, आपके पास अगर 1000 रुपीज़ है और उसमें से आप 1 रुपीज़ किसी को दो तो हाउ मच रुपीज़ आर लेफ्ट विद यू, तब आपके पास कितने रुपीज़ बचेंगे, 1000 माइनस 1. अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, सो वी हैव टू टेक द बोरो, नेक्स्ट भी 0 है, नेक्स्ट भी सब्ट्रैक्ट, नेक्स्ट भी 0 है, नेक्स्ट 1. यहाँ से हमने 1 लिया तो ये क्या बन गया, 0. ये क्या बना, 10. अब 10 ने 1 इसको दिया, ये बन गया 10, ये बन गया 9. अब इस 10 ने 1 इसको दिया, ये बन गया 9, ये बन गया 10. 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 9 9 9. हाउ मच इज़ लेफ्ट, 999.
तो अगर आप 1000 में से 1 सबट्रैक्ट करोगे तो क्या, हाउ मच लेफ्ट विद यू, 999. अगर आपके पास 10 होते हैं तो क्या बचता है, 1 देते हो तो 10 में से 1, 9. 100 में से 1 दोगे तो 99. 1000 में से 1 दोगे तो 999. और 10,000 में से अगर आप 1 देते हो तो 9999. अगर कोई भी नंबर है 1 के बाद उसमें जितनी जीरो है और उसमें से आप 1 देते हो तो 1 सबट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे कितने डिजिट से, 4 डिजिट से, उसमें से अगर हम 1 सबट्रैक्ट करते हैं तो 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर उसमें से 1 सबट्रैक्ट करते हैं तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमेशा आंसर आता है. अगर 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में से 1 सबट्रैक्ट करते हैं तो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आएगा. अगर 2 डिजिट के ग्रेट स्मॉलेस्ट नंबर में से 1 सबट्रैक्ट करते हैं तो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आएगा. अंडरस्टैंड? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. सेकंड चैप्टर में हमने ओनली एडिशन किया, अब तक थर्ड चैप्टर में हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया, और सब्ट्रैक्शन के बाद हमने चेकिंग ऑल्सो, चेकिंग के लिए हमने क्या करते थे, हम एडिशन करते थे. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में चेकिंग भी नहीं करनी है, क्या करना है, हमें एक साथ 3 नंबर्स गिवन है और उनके बिटवीन में साइन गिवन है, 1 टाइम पॉजिटिव साइन है, 1 टाइम नेगेटिव साइन है. यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है. इट मीन्स जहाँ पे प्लस का साइन है वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस. अब एक साथ 3 नंबर्स गिवन है, उनको हम एक साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं करेंगे, पहले हम ऐड कर सकते हैं या पहले सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक टाइम पे एक ही वर्क करेंगे. सो फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्टली हम पहले 2 नंबर्स को सोल्व करेंगे, जो पहले 2 नंबर्स गिवन है उसको, दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है. प्लेसेस कितने, वंस, टेंस, हंड्रेड, अप टू 100 प्लेस, वंस, टेंस, हंड्रेड, 486 प्लस 350, हम क्या कर देंगे इन दोनों को, प्लस ऐड कर देंगे. 6 प्लस 0 व्हाट विल कम, 6, 8 प्लस 5, 13, हाउ मच कैरी, 1 कैरी, 4 प्लस 3, 7, 7 और 1 कैरी, 8, हाउ मच आंसर इज कम, 836, विच आंसर विल कम, 836 आफ्टर द एडिशन. अब हमें नेक्स्ट वर्क क्या करना है, सब्ट्रैक्शन की, कि इन दोनों नंबर्स का ऐड करके जो आंसर आएगा उस आंसर में से हम ये नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे. इट मीन्स क्या है, आपके पास 10 रुपीज़ है, आपके फादर ने आपको 15 रुपीज़ और दिए, तो 10 प्लस 15 क्या बन गया आपके पास, 25. अब उसमें से अगर आप 25 में से 8 रुपीज़ अपनी सिस्टर को देते हो तो 25 में से 8 आपके लेस हो जाएंगे, 25 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो व्हाट विल कम, 17. तो आपके पास कितने बचेंगे, 17. तो यहाँ पे पहले हमने एडिशन किया, ये आपके पास रुपीज़ थे, ये आपके फादर ने दिए, ऐड करने के बाद ये आए. अब इसमें से हम क्या करेंगे, अपनी सिस्टर को देंगे, सिस्टर को कितने देने हमें, 393. यहाँ भी अप टू 100 प्लेस है, सो 836 माइनस 393, क्या करना हमें, सब्ट्रैक्शन. ध्यान से देखना बेटा, पहले हमें जो 2 नंबर्स गिवन है उनके बीच में प्लस का साइन था इसलिए हमने प्लस किया, फिर जो आंसर आया उसको हम टॉप में लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और नेक्स्ट लास्ट जो नंबर है वो नंबर लिखेंगे, और फिर सब्ट्रैक्शन का साइन था तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन. यहाँ पे हमने पहले इन 2 नंबर्स पे वर्किंग की है. ओके, नाउ वी आर टेकिंग द थर्ड नंबर, 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6 व्हाट विल कम, 3. 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3. अब 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है, 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो हमें बोरो लेना पड़ेगा नेक्स्ट डिजिट से. नेक्स्ट नंबर पे 8 है, 8 ने 1 दिया क्या बना, 7, और 3 क्या बन जाएगा, 13. अब 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, 4, और 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो भी क्या आया, 4. समझ आया? अब दोबारा से चेक करते हैं हम आवर क्वेश्चन, क्योंकि अगर हमारी मिस्टेक यहाँ पे हुई तो वहाँ भी होगी ऑलरेडी और फिर हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग. सो पहले हमें क्या करना था, दोनों नंबर्स का एडिशन, प्लस करना था. 6 प्लस 0 6, 8 प्लस 5 13, 1 कैरी, 4 प्लस 3 7 और 1 कैरी 8. इट मीन्स यहाँ से तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है. यहाँ पे हमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन.
836 सेम नंबर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे जो नंबर है अगर आप वहाँ पे चेंज कर देते हो तो भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रोंग। लास्ट स्टेटमेंट क्या थी, 393। आप 6 में से 3 सबट्रैक्ट किया, 3 में से 9 सबट्रैक्ट नहीं हुआ था तो हमने बोरो लिया था। नेक्स्ट प्लेस पे 100 प्लेस पे 8 था तो 8 ने 1 बोरो दिया था, वो क्या बचा था, बन गया था 7। अब 3 क्या बन गया, 13। 13 में से 9 सबट्रैक्ट किया 4 और 7 में से 3 सबट्रैक्ट किया 4। सो आवर आंसर व्हाट विल कम, 443, दैट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट। टू नंबर्स के बीच में कौन सा साइन है, सब्ट्रैक्शन। फिर अगेन कौन सा साइन है, सब्ट्रैक्शन। एक साथ हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते तो हमें पहले टू नंबर्स को सोल्व करना है फिर लास्ट नंबर। तो फर्स्टली वी सोल्व दीज टू नंबर्स, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। प्रोसीजर सेम है, यहाँ पे ओनली अप टू हंड्रेड प्लेस गिवन है, यहाँ पे थाउजेंड प्लेस द गिवन। 5684, लीव द वन बॉक्स फ्रॉम हेयर, वन लाइन यहाँ पे लीव कर दोगे फॉर द टेकिंग द बोरो। 4132, 4 में से 2 सबट्रैक्ट किया, 2 सबट्रैक्ट फ्रॉम 4 व्हाट विल कम, 2। 3 सबट्रैक्ट फ्रॉम 8 व्हाट विल कम, 5। 6 में से 1 सबट्रैक्ट करो, 1 सबट्रैक्ट फ्रॉम 6 व्हाट विल कम, 5। 4 सबट्रैक्ट फ्रॉम 5 व्हाट विल कम, 1। 1552। अब जो आंसर हमारा है उसमें से हमें अगेन क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। सो फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, जो हमारा यहाँ पे आंसर आया वो लिखेंगे हम, 1552। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना हमें, 1046 सब्ट्रैक्ट, 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना, 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा। सो वी हैव टू टेक द बोरो, 5 क्या बन जाएगा, 4, और 2 क्या बन जाएगा, 12। अब 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट विल कम, 6। 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 व्हाट विल कम, 0। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, 5। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 0। अंडरस्टैंड, नाउ द सी पार्ट। ए पार्ट सोल्व किया मैंने, बी पार्ट भी मैंने सोल्व किया है, सी पार्ट भी मैं सोल्व कर रही हूँ। आफ्टर दैट टू पार्ट्स आर लेफ्ट, डी एंड ई। दीज टू पार्ट्स यू हैव टू सोल्व यूर सेल्फ इन योर फेयर नोटबुक, सभी पार्ट क्वेश्चन सेकेंड के आपको ए से लेके लास्ट ई पार्ट तक यू हैव टू सोल्व योर सेल्फ। सी, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें पहले प्लस करना था फिर माइनस करना था। यहाँ पे क्या था, हमें टू टाइम्स माइनस है, यहाँ पे क्या है, पहले माइनस करना है फिर ऐड करना है। 8402, पहले हम इन टू नंबर्स पे वर्क करेंगे। माइनस क्या करना है, 6349। टू में से 9 सबट्रैक्ट होगा, नहीं होगा। सो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू टेक द बोरो। सो ये 0 है, यहाँ से बोरो जाएगा, ये क्या बनेगा, 3, ये बनेगा 10, फिर इसने 1 बोरो दिया, ये 9 बनेगा, और ये क्या बनेगा, 12। अब 12 में से 9 सबट्रैक्ट किया, व्हाट विल कम, 3। 9 में से 4 सबट्रैक्ट किया, व्हाट विल कम, 5। 3 सबट्रैक्ट फ्रॉम 3, 0। 6 सबट्रैक्ट फ्रॉम 8, 2। समझ आया, 12 में से 9 सबट्रैक्ट किया तो 3 आया, 9 में से 4 सबट्रैक्ट किया 5 आया, 3 में से 3 सबट्रैक्ट किया 0, 8 में से 6 सबट्रैक्ट किया 2। अब नेक्स्ट आगे क्या करना, हमें प्लस करना है किसमें, जो हमारा आंसर आया, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 2053, दैट इज द आंसर। फर्स्टली वी राइट द आंसर, देन 2881। क्या करना हमें, प्लस, 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 8 13, 4 द 13 3 एंड 1
कैरी, 8 प्लस 1 कैरी 9 और 2 प्लस 2 4, अंडरस्टैंड। सो द सेकंड क्वेश्चन ए पार्ट में पहले एडिशन करना था, फिर सब्ट्रैक्शन करना था, बी पार्ट में 2 टाइम सब्ट्रैक्शन की, सी पार्ट में पहले सब्ट्रैक्शन की फिर एडिशन की, डी पार्ट में आपको क्या करना है बेटा, पहले एडिशन करनी है फिर सब्ट्रैक्शन करनी है, सेम एज ए पार्ट। और ई पार्ट में क्या है, 2 टाइम सब्ट्रैक्शन करनी है, सेम एज बी पार्ट। यानी कि डी पार्ट आपका ए पार्ट के जैसा है और ई पार्ट आपका बी पार्ट के जैसा है। सो इन द एक्सरसाइज 3.3 यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट इन योर बुक और क्वेश्चन सेकंड इन योर फेयर नोटबुक। ओके, थैंक यू।